हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है हमें छुट्टी, तो सुबह तुम्हें लगा है मेला, तो हम सोच रहे हैं कि मेला घूम के आते हैं। जब से मतलब यहाँ पे हम पढ़ रहे, बीएड कर रहे हैं, तब से हम यहाँ कहीं घूमे ही नहीं, कहीं गए ही नहीं, तो तब सोच रहे कि अभी चले जाते हैं घूमने। तो और साथ में कुछ काम भी है हमारे को, मतलब सामान लेने को है कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए। तभी हम रेडी हो रहे हैं गाइस, रेडी होने के बाद मिलते हैं और आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसा मेला होता है। पहली बार ही जा रहे हैं हम, हमारे टीचर्स भी बोल रहे थे जो स्कूल में होते हैं कि बहुत अच्छा मेला होता है, चले जाओ घूमने, काफ़ी रश होता है मेले में। तो आज है लास्ट मेला और आज शायद कुलदीप शर्मा आ रहा है ना, पर हम नाइट तक रुकेंगे नहीं, हम आ जाएंगे वापस। तो मैं आपको अच्छे से मेला घुमाऊँगी इस पार्क का। तो मिलते हैं गाइस बाद में, जब हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और निकलेंगे रूम से। हो गए हम रेडी, अब बस जा रहे हैं, चल पड़े बस बस से। हाय दीपिका, हम मिलते हैं बाद में। हम सुबह के पहुंच चुके हैं, बस में बहुत ज़्यादा दूर थी, घुटन हो रही थी घुटन, और अभी तक हमने कुछ नहीं खाया है, सर दर्द भी हो रहा है। बोलेगी कुछ, सिर फट रहा है, सफोकेशन की हमारी वॉमिट आ रही थी, पर गर्मी वरना बेइज्जती हो जाती है। बस आपके लिए हम आए यहाँ, क्योंकि हमने सोचा आप बोर हो जाओगे रूम के ही ब्लॉग देखते हुए, कुछ नया दिखाते हैं, तो चलते हैं हमने लेकर। गाइस यहाँ से मेला स्टार्ट हो गया शायद, ये देखिए शॉप्स। नहीं इतनी चलती है, शॉर्ट ही की होती। वीडियो चलने तक के लिए रास्ता नहीं, क्योंकि गली गलियों में ही मेरा लगा है, लगा तो है ही नहीं, जगह ही नहीं मिली चलने। झूले वाली जगह ही नहीं मिल रही है। गाइस हम सबसे झूला गिर रहे हैं और हमारे को मिल नहीं रहा, गलियों गलियों में पता नहीं कितना चलेंगे हम, पर फिर भी नहीं मिल रहा। हम ये सब खा रहे हैं क्योंकि हमने और वो वाली आंटी बहुत अजीब तरीके से दिख रही है। ओ इसके बाद हम झूला ढूंढेंगे गाइस। फाइनली हम गलियों से बाहर निकल के मेन मेले में पहुंचे और रहा झूला। गाइस कोई वो टेडी दिला दो, देखो कौन सा हुक्म कीजिए माते, सबसे बड़े वाला भीड़ देखो उधर। अरे यार कम से कम मिलने में तो आए, कुछ नहीं है बस ऐसे घूम रहे हैं, झूले चलते हैं थोड़ी देर में। चल बाद में देखते हैं, हेलो हेलो। हमारे भी हरदीप पहलवान सोनीपत से आए, जरा सलामी लेना खड़े की। हरदीप पहलवान जो बड़ी माली के द्वारे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पवन पहलवान, पवन पहलवान अमरोहा से आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। दूसरी साइड विकास। गाइस अभी हम पहले जिले में जा रहे हैं, फिर हम उस पर जाएंगे, उसमें भी जाएंगे। गाइस कीचड़ कीचड़, अगर गिर गए तो ना स्टैंप ही लगना, हम बेचती अलग से। चल पड़ा ये तो यार, ऊपर तो भीड़ भी बहुत है।
इसको देख के डर लग रहा है, पता नहीं क्यों ये बहुत फास रहा है और ये भी एक नंबर की डरपोक है। मेरी दादी नानी पर नानी सब याद आ रही है। भाई गाइस मैं हिम्मत अब करके ब्लॉग बना रही हूँ, मेरे को बहुत डर लग रही है, मेरे को बहुत कंपन हो रही है। बहुत अच्छी बात है। तो गाइस ये है आर्मी एरिया, कुत्ते भी आगे खाने पड़े ना, तो बेग बेग उतना आगे नहीं जाने, नहीं जाएंगे, रुकेंगे। इस वाले जगह में बैठे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। सुन इसमें नहीं लगती थे ऑर्डर हम इस झूले में बैठे हैं। इस झूले में आज तक नहीं बैठे हूँ, एक एक्सपीरियंस लेते हैं इसका भी। तू बैठी इसमें? हाँ तेरी शक्ल को क्या हुआ है? और ये लड़के हैं आगे हमारे आगे और पीछे बिठा रहे हैं। क्या हाय सचिन, हमारे बच्चे मेला घूम रहा है, सर घूम रहा है, सर दर्द हो रहा है, मजा बहुत आया। ऋषि का बोलती उतारो बाकी अब थोड़ी देर में हम मुंबई फिर वापस जाना है। कौन सा वाला? हाँ कर जब टैली ले रहे हम। सिंगल पे भी क्यों जा रहे हैं वापस बस स्टैंड की ओर।
हमें कुछ बुक्स चाहिए थी, वो भी नहीं मिली यहाँ पे। अब शायद कुनिहार मिले में, कुनिहार में मिले या ऑनलाइन लेने पड़े। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं सर्दी बहुत ज़्यादा, कहीं साइड में बैठ और उधर लगाएगा इस मेला। अब हम जा रहे हैं, जब हम रूम में पहुँच चुके हैं थकार के, सर में इतना दर्द हो रहा है। मेरा अच्छा तो था, पर बहुत भीड़ भड़ाका भी था और थोड़ी गली का गलिया थी, उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी हुई। और फिलहाल हम कुछ खा रहे, बाद में मिलते हैं आपसे। तो मेरे इस ब्लॉग में था इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। और मेरा अगला ब्लॉग होगा Q&A, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी उनका जवाब देने की। और मेरे पास आए हैं कुछ क्वेश्चन वगैरह, तो मैं अगली वीडियोस पे बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।